हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोरेक्स लिमिटेड के पास 10 रुपये वाले 20,012% शोध अधिमान अंश थे जिन पर 8 रुपये प्रति अंश प्रदत्त था। कंपनी ने मार्च 2019 को इन अंशों को 20% प्रीमियम पर शोधन करने का निर्णय लिया। जब देखिए, अब शोधन करने का निर्णय ले लिया लेकिन अभी तक ये फुल्ली पेडअप नहीं है। ये 10 रुपये वाला शेयर है और 8 रुपये ही प्रदत्त हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक फुल्ली पेडअप नहीं होते तब तक उनका शोधन नहीं हो सकता। तो फिर पहले इनको फुल्ली पेडअप करना पड़ेगा। फुल्ली पेडअप के लिए अपने आप अपन एक फाइनल कॉल करेंगे और जब कंपनी ने शोधन के लिए डिसाइड ही कर लिया है तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि आप फाइनल कॉल कीजिए और वो सभी दे देंगे और फिर उनका शोधन हो जाएगा। कंपनी के पास लाभ हानि खाते के क्रेडिट में 140,000 रुपये और जनरल रिजर्व में 50,000 रुपये तथा प्रतिभूति प्रीमियम में 20,000 रुपये का शेष विद्यमान है। शोधन के लिए 10 रुपये वाले 5,000 इक्विटी अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया। मतलब शोधन के लिए प्रश्न खुद बता रहा है आपको कि शोधन के लिए 10 रुपये वाले 5,000 इक्विटी अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन भी किया। तो पहले तो इनसे पैसा जितना आ जाएगा वो आ जाएगा, बाकी के लिए आप ये जनरल रिजर्व या इससे काम में ले सकते हैं। ये सभी अंश अभिदत्त हुए और समस्त राशि प्राप्त हो गई। इन विवरणों का अभिलेखन प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए, इसी में समझ लीजिए इसको कि पहले तो अपने को जब शोधन करने का निर्णय ले लिया तो इनको फुल्ली पेडअप का ही शोधन होता है। तो ये फुल्ली पेडअप नहीं है तो पहले इनको फुल्ली पेडअप करना पड़ेगा 2-2 रुपये से। 20,000 शेयर हैं, 2-2 रुपये से मांगनी पड़ेगी फाइनल कॉल। तो एंट्री होगी 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये सभी आप जानते हैं, नॉर्मल जनरल एंट्री है 40,000 से, क्योंकि 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2, ये रहेगा फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स ऑफ एट ₹2। तो ये 40,000 हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू ये 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये 40,000 रुपये प्राप्त हो गए। अब ये फुल्ली पेडअप हो गए। जब फुल्ली पेडअप हो गए तो अब इनका शोधन कर सकते हैं। शोधन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिन अंशों का शोधन होना है उन्हें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बुक में देखिए, ये एंट्री हो चुकी है, ये हो गई, ये हो गई, लेकिन ये बीच में बुक ने ये नए अंश निर्गमन करने की एंट्री कर दी है। पहले अपने को ये नए अंशों की नहीं करनी है, आप पहले ये कीजिए वो ये वाली 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, होल्डर में ट्रांसफ़र कीजिए। अब आप तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितने शेयर हैं, 20 रुपये वाले 10 रुपये वाले 20,000, 2 लाख के हैं, और 20% प्रीमियम पर शोधन करना है। 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000, और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 2,40,000 रुपये की व्यवस्था करनी है। आपकी पहली एंट्री ये हुई, दूसरी एंट्री ये हुई, तीसरी ये हुई। अब आपको इसको करने से ये पता चल गया कि रिडम्पशन के लिए, शोधन के लिए हमें कितने पैसों की आवश्यकता है, हमें 2,40,000 रुपये की आवश्यकता है उस कंपनी को। अब 2,40,000 की व्यवस्था करी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो पहले उस प्रीमियम की व्यवस्था करनी होती है। कहाँ से करते हैं ये पहले ही समझाया मैंने, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पड़ा हो तो उससे, नए अंशों के निर्गमन से कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ रहा हो तो उससे, और नहीं तो फिर अवेलेबल प्रॉफिट जो जिसमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं उससे। तो अब देखिए आप कि ये कह रहा है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितनी है, 40,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितनी चाहिए अपने को, 40,000 चाहिए, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना पड़ा है पैसा, 20,000। तो 20,000 ही हैं, लेकिन ये नए अंशों का जो निर्गमन इसने कह दिया है कि 10 रुपये वाले 5,000 इक्विटी अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया, तो इसका मतलब इस पर भी प्रीमियम आएगा। तो इसलिए इस बुक ने यहाँ पर पहले एंट्री इसकी कर ली है कि इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो हो गया 55,000 से, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप इन दोनों की एक ही एंट्री कर सकते हैं। क्या एंट्री होगी, नए अंशों के निर्गमन की, बैंक अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर निकाले, 10 रुपये वाले 5,000, कितने पर, 10% प्रीमियम पर, 5,000 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ ₹10 है,
एंड 10% प्रीमियम। तो ये 50,000 रुपये के होंगे और ये 10% प्रीमियम 5,000 होगा, टोटल मिलाकर 55,000 आएंगे। इन दो एंट्री की जगह, ये जो दो एंट्री की हुई है इनकी जगह ये एक सिंगल एंट्री करके आप हो सकते हैं। आप देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 तो पहले पड़ा है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000 हो रहा है तो 25,000, लेकिन हमें तो चाहिए 40। तो पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से के लिए एंट्री करेंगे तो 25,000 रुपये तो ले लो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा पड़ा है ना वहाँ से। तो लिखेंगे हम कि इसने सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया 40,000 रुपये, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम में जब पैसा पड़ा है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे। आपके बुक में इसमें पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया है 40,000 रुपये, ऐसा भी कर सकते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया 40,000। नहीं तो अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ इफेक्ट कुछ वही आएगा नेट इफेक्ट, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 25,000 और फिर करते अपन ये कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट से पैसा कितना लिया गया, P&L अकाउंट से कितना बच रहा है अपने 15,000, क्योंकि 40,000 की व्यवस्था करनी है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और कितना हो जाएगा 40,000। ऐसे भी कर सकते हैं और फिर P&L अकाउंट में 15,000 रुपये कम बचे हैं, लेकिन इस बुक में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया गया है 40,000। ऐसा भी कर सकते हैं ये 40,000 की व्यवस्था पहले P&L अकाउंट से कर ली और फिर अब 2,00,000 की व्यवस्था करनी है, 2,00,000 के लिए उसके पास 50,000 के तो उसने नए अंश निकाल दी, तो 1,50,000 की और करनी है। तो 1,50,000 कहाँ से लेवे, 1,50,000 लेवे, देखिए 1,40,000 था जिसमें से 40 तो यहाँ चला गया, इसमें बचा है 1,00,000 और जनरल रिजर्व में से ले लेंगे बाकी का। तो 1,00,000 रुपये तो ले लेंगे सरप्लस में से और बाकी का जनरल रिजर्व में से ले लेंगे 50,000। तो ये सरप्लस अकाउंट डेबिट कर दिया टू जनरल टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जितनी राशि उपलब्ध लाभों में से लेते हैं उनको डेबिट करके टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये 1,50,000 रुपये हो गया, ये व्यवस्था हो गई, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसका शोधन हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। थैंक यू।